हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 हिंदी डब फिल्मों के बारे में। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये सभी फिल्में अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं, तो कभी भी रिमूव हो सकती हैं, तो इन फिल्मों को जितना जल्दी हो सके देख लिया करो। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों को लिया है, साथ ही कुछ टीवी सीरीज़ को भी लिया है और कुछ नई मूवीज़ को भी लिया है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है रेड नोटिस। दोस्तों, ये मूवी 2021 में आई थी, एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 55 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड 8 थीफ की स्टोरी देखने को मिलेगी, और इस फिल्म में आपको हॉलीवुड के कुछ मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैंने आपको पहले वीडियो में दिया था, लेकिन वो रिमूव हो गया था, इसलिए दूसरा लिंक दे रहा हूँ। और ये मूवी अब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी। लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है एक टीवी सीरीज़ दी बॉयज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, सीरीज़ के बारे में बता दो, तो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कॉमेडी के साथ एक सुपर हीरो की सीरीज़ देखनी है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है मनी हाइस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मनी हाइस्ट के सीज़न 4 के एपिसोड 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न। दोस्तों, ये मूवी 2011 में आई थी, एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 42 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट की स्टोरी देखने को मिलेगी। सो अगर आपको इस फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी देखनी है तो आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना। इस फिल्म की कास्ट में रोवन एटकिंसन है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म कितनी कॉमेडी होगी। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, लेकिन इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है मम्मी रिटर्न। दोस्तों, ये मूवी 2001 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 9 मिनट। गाइस, इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको मम्मी से रिलेटेड स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपने स्कॉर्पियन किंग मूवी देखी है तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी उसी से रिलेटेड है, और इस फिल्म में आपको रॉक भी देखने को मिल जाएंगे। सो इस फिल्म का यूट्यूब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं 5वें नंबर पर आती थी फैल्कन ऑफ द विंटर सोल्जर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज के सीज़न 1 के एपिसोड 5 का यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस सीरीज़ के बाकी के एपिसोड के लिंक मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिए थे। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है नो एस्केप। दोस्तों, ये मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 43 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.8 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में जैक अपनी फैमिली के साथ साउथ ईस्ट एशिया में आता है, लेकिन वहां पर दंगे होने लगते हैं और वहां के लोग फॉरनर को मारने लगते हैं, और जैक और उसकी फैमिली भी एक फॉरनर रहती है, तो वो अपनी फैमिली को उनसे कैसे बचाता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, और फिल्म का यूट्यूब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है क्रिमिनल। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 53 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में एक CIA एजेंट बिल बॉब एक हैकर को क्रिमिनल से बचा पाता है, अब वो उसे बचाता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपको प्राइम वीडियो पर भी मिल जाएगी, और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है यूअर हाइनेस। दोस्तों, ये मूवी 2011 में आई थी, कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 42 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.5 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको प्रिंस फैबुलस की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो अपनी फियांसी को बचाती है जो कि किडनैप हो जाता है, अब वो अपने फियांसी को बचा पाती है नहीं जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको फैंटेसी के साथ एक कॉमेडी मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। लिस्ट में 1 नंबर पर आती है मदरली। दोस्तों, ये मूवी 2021 में आई थी। इस फिल्म में आपको एक मदर और उसकी बेटी की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो अपनी नई लाइफ शुरू करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्यों ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो मूवी कुछ ही दिन पहले आई है, इसलिए आपको यूट्यूब पर तो मिलेगी नहीं, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस सीरीज के और भी पार्ट्स आएंगे वो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।